हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IITN स्टडी फंड। आई एम शिवशंकर हंसता, ए थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT खड़गपुर। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स। ओके, सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is the fact number one. Okay, the fact number one क्या है? The a minus a equal to कितना होता है? जीरो होता है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है a minus a equal to जीरो, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है जब ए एक कैसा नंबर होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कभी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, सो जब भी हम ए माइनस ए इक्वल टू जीरो लिखते हैं, सो लिखने से पहले हमें श्योर करना है कि ए एक कैसा क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, देन ओनली वी कैन राइट ए माइनस ए टू बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो हियर इट इज द फैक्ट नंबर टू। सो फैक्ट नंबर टू क्या है? तो स्टूडेंट लोग को जैसे ही ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिख जाता है, ए और ए ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, सो वो क्या करते हैं कि इसको कैंसिल आउट करके इसका वैल्यू वन लिख देते हैं। ओके, ये जो कैंसिल आउट हम तभी कर सकते हैं जब ए कैसा होना चाहिए, ए एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होगा। ओके, ए शुड बी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, देन ओनली वी कैन कैंसिल ए एंड द आंसर विल बी वन। ओके, सो बिफोर कैंसिलिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट ए जीरो और प्लस और माइनस इनफाइनाइट। ओके, है इनफाइनाइट नहीं है। ओके, सो ए शुड बी ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, देन ओनली वी कैन कैंसिल। ओके, सो जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको देखे और कॉमन फैक्टर देखिए, तो कैंसिल आउट करने से पहले आपको श्योर होना है कि ए एक नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, दैट मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और प्लस और माइनस इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग बिना कुछ सोचे समझे ओके ब्लाइंडली वो कैंसिल आउट करके आंसर वन लिख देते हैं। ओके, जो कि एक गलत है। सो बिफोर कैंसिलिंग आउट यू हैव टू बी श्योर दैट ए इज ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस और माइनस इनफाइनाइट। ओके, फैक्ट नंबर थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर रूट। ओके, ये ऑलवेज वैलिड नहीं होता है। ओके, स्टूडेंट लोग गलती में क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। ओके, लेकिन इस प्रॉपर्टी हर जगह नहीं यूज होता है। ओके, इसका लिमिटेशन है कि इस प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव। ओके, ये ए और बी में से एटलीस्ट एक को नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ब्लाइंडली इस टाइप के प्रॉपर्टी को कभी यूज करना नहीं है। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए हर फॉर्मूला का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही एप्लीकेबल होता है। ओके, तो उस लिमिटेशन को हमें याद रखना है, क्योंकि हर किसी फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो
ये जो लिमिटेशन है इसको हमें याद रखना है कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि अगर दोनों ए बी साइमल्टेनियसली दोनों नेगेटिव नंबर है। ओके एक ना एक को तो नॉन नेगेटिव होना ही है। ओके देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ओके फैक्ट नंबर फोर की, अब फैक्ट नंबर फोर ये बोलता है कि जो भी स्क्वायर रूट है ओके ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। ओके दिस इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो अगर मैं स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ फोर लूँ सो इसका जो आंसर है ये ओनली प्लस टू ही होना चाहिए। ओके दैट इज नॉट इक्वल टू, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं प्लस और माइनस टू लिखते हैं जो कि गलत है। ओके ये जो सिंबल है दैट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ फोर। ओके ये सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ फोर नहीं है, ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ फोर। सो इसका जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर में जो होना चाहिए वो कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है और इससे जो आंसर होगा वो भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ओके इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फैक्ट नंबर फाइव, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ना वो मॉड एक्स होता है। कि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो मॉड एक्स होता है। कि दिस इज नॉट इक्वल टू सिंपली एक्स नहीं होगा, ये हमेशा मॉड एक्स का। ओके और जो मॉड एक्स का डेफिनेशन है दैट इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ये माइनस एक्स होगा फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके सो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना हमको बेसिक चीज़ें जानना है, ठीक है ना, तो भी जाके हम एक एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स को कर पाएंगे। ओके ये है बहुत बेसिक चीज़ें है ओके मैथमेटिक्स का, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके कितना फैक्ट नंबर फाइव, फैक्ट नंबर सिक्स। ओके सो फैक्ट नंबर सिक्स में क्या है, द लॉगरिथमिक एक प्रॉपर्टी है जिसको हम गलत तरीके से यूज करते हैं, वो ऐसा है कि लॉगरिथमिक ऑफ एक्स पावर एन टू द बेस ए इक्वल्स टू, ये जो पावर है यह मल्टीप्लाई हो जाता है एन लॉगरिथमिक ऑफ मॉड एक्स टू द बेस ए होना चाहिए। ओके क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं सिंपली, ये गलत है। ओके सिंपली जो एक्स लिखते हैं वो गलत है, यहाँ पे आपको मॉड एक्स यूज करना चाहिए। ओके ये प्रॉपर्टी क्यों गलत है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सो मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है लगारिदमिक ऑफ सिक्सटीन टू द बेस फोर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लगारिदमिक ऑफ माइनस फोर का स्क्वायर टू द बेस फोर। तो अकॉर्डिंग टू ये रूल क्या होना चाहिए, ये दो बाहर आना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए टू लॉग ऑफ माइनस फोर टू द बेस फोर। ओके और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगारिदमिक के अंदर नेगेटिव क्वान्टिटी जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता है। ओके सो इसी कारण क्या होना चाहिए, हमें यहाँ मॉडुलर सिंबल यूज करना चाहिए कि तभी जाके ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा। ओके सो जब भी तुम इस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो हमेशा ये मॉडुलर सिंबल को यूज करना है। ओके देन ये देखते हैं फैक्ट नंबर सेवन। ओके तो फैक्ट नंबर सेवन एक, चलिए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन सा इक्वेशन है कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। ओके तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे पास दो स्टूडेंट है, ये है स्टूडेंट ए और ये है स्टूडेंट बी। ओके तो स्टूडेंट ए ने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स तो गिवन था, तो इसने क्या किया एक्स स्क्वायर को ये लिखा x इंटू एक्स और फोर एक्स को लिखा फोर इंटू एक्स। ओके और इसको क्या किया इसने, जैसे x x को देखा x x को कैंसिल कर दिया और फाइनली जो x का वैल्यू कितना लिखा है इसको
एक्स इक्वल टू फोर लिखा। ओके स्टूडेंट बी ने क्या किया, इक्वेशन ऐसा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसने क्या किया फोर एक्स को इस साइड ले आया, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या किया उन्होंने एक्स को कॉमन लिया, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और एक्स इंटू एक्स माइनस जीरो, इसका मतलब है एक्स जीरो हो सकते हैं एंड एक्स माइनस फोर क्या है उसका जीरो हो सकते हैं। फ्रॉम दैट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फोर, यहाँ पे इसको दो सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके यहाँ पे इसको दो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको यहाँ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको यहाँ दो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे गलती क्या हो रहा है। ओके सो गलती यहाँ हो रहा है कि हमने जब ये एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिल आउट करने से वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट का लॉस हो रहा है। ओके यहाँ पे एक रूट लॉस हो रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन होता और इसका आपको किसी ने पूछा कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो अगर किसी ने ये मेथड यूज करके सॉल्व कर गया तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक मिलेगा, बल्कि अगर इस मेथड को से यूज करके अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो मिलेगा। कि सो ये करेक्ट सॉल्यूशन है। कि सो जब भी ऐसा कोई अननोन कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हमें कैंसिल आउट नहीं करना है। ओके क्योंकि कैंसिल आउट करने से क्या होता है, रूट का जो लॉस हो जाता है। ओके सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी इक्वेशन तुम सॉल्व कर रहे हो उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जब भी जितने भी टर्म होंगे सारे को लेफ्ट साइड लाओ एंड देन फैक्टराइज करो एंड इस फैक्टर को क्या करो जीरो के साथ इक्वेट करो। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके आइए देखते हैं फैक्ट नंबर एट। ओके फैक्ट नंबर एट कुछ ऐसा है, जब भी जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन होता है। कि तो उस लिमिटेशन को हमें याद रखना चाहिए कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है, ये फॉर थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर के लिए होता है। ओके sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन जो होता है ये हर थीटा के लिए नहीं होता है। कि इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, थीटा नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ओके ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। ओके सो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सिमिलरली ये जो फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए वैलिड नहीं है। ओके सो हम क्या करते हैं फॉर्मूला तो बस याद कर ही लेते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो जब भी तुम किसी जगह सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिख रहे हो, इसका मतलब थीटा ये नहीं होना चाहिए। ओके अगर थीटा ओड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू हो गया तो सेक थीटा का वैल्यू इन्फाइनाइट हो गया, डिफाइंड नहीं होगा। ओके क्योंकि इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट तो कभी वन नहीं होगा। ओके तो सो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूला होता है और उनका पर्टिकुलर लिमिटेशन होता है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके उस लिमिटेशन को हमें जानना चाहिए। ओके फैक्ट नंबर नाइन देखते हैं। ये आप में से बहुत लोग देखा होगा ये फॉर्मूला कि nth रूट ऑफ a इज गिवन बाय a पावर वन बाई एन। ओके ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ओके एन अगर फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर हुआ तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। ओके अगर आपको किसी ने पूछा सिक्स या हाफ रख दिया एंड ये इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ओके सिक्स का स्क्वायर ये 36 ये गलत है। ओके क्योंकि ये जहाँ भी यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए। ओके इस कंडीशन के साथ ही हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ओके फैक्ट नंबर टेन बता रहा हूँ, जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो स्क्वायरिंग मेथड को अवॉइड करना। ओके बिकॉज स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, ऐसे कुछ रूट आ जाता है वो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाइल सॉल्विंग एनी इक्वेशन
अबॉर्ट स्क्वायरिंग ओके, बट इफ स्क्वायरिंग इज नेसेसरी नेवर क्रॉस चेक टू नेवर नेवर फॉरगेट टू नेवर फॉरगेट टू क्रॉस चेक योर फाइनल आंसर ओके। जब भी तुम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने को अवॉइड करो, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से क्या होता है एक्स्ट्रा रूट आ जाता है जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो इसीलिए जब भी तुम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो अगर स्क्वायरिंग करना नेसेसरी है तो आपको क्या करना है फिर क्रॉस चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।